और जमशेदपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना संक्रमितों की संख्या 800 से ज्यादा हो गई है। वहीं कोविड वार्ड टीएमएच में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें केवल जमशेदपुर के केवल 11 मरीज थे। मरने वाले ज्यादा मरीज 50 साल के ज्यादा उम्र के बताए जाते हैं। तो जमशेदपुर में अब तक 14 मरीजों की मौत हो चुकी है और अब आप समझ सकते हैं कि कोरोना का संक्रमण इस तरह से इतनी तेजी से इसका फैलाव हो रहा है कि अब झारखंड के कोई जिले कोई भी घर ऐसा नहीं बचा है। कोने कोने में संक्रमण जो है उसका फैलाव होता दिख रहा है और ये इसी कड़ी में जमशेदपुर में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, 14 मरीजों की। पूर्वी सिंहभूम में संक्रमितों की संख्या अब 800 के पार होने जा रही है। तो पूर्वी सिंहभूम में संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार वहां पर भी बढ़ रही है। 14 लोगों की मौत हो चुकी है संक्रमण की वजह से और ऐसे में जो केसेस है वो 800 के पार हो चुके हैं। तो झारखंड में कोरोना जो है वो बेकाबू होता जा रहा है लगातार। पूर्वी सिंहभूम की बात करें, जमशेदपुर की बात करें तो वहां भी हालात अच्छे नहीं है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, अब हमने देखा है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने के साथ साथ जमशेदपुर में बताया जा रहा है 14 लोगों की अब तक संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है और आंकड़ों में लगातार मरीजों की आंकड़ों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। अब खतरा बहुत ज्यादा पहले से बढ़ चुका है, लेकिन अब हमने देखा है कि एक रिपोर्ट हम देख रहे थे, दर्शकों को बता रहे थे, उसमें जो भी ज्यादातर मरीज है जिनकी मौत हुई है वो बुजुर्ग बताया जा रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि बुजुर्ग जो लोग हैं या फिर जो बच्चे उन्हें बहुत ज्यादा सेफ्टी के साथ रहने की जरूरत है। बिल्कुल अमिता, देखिए जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम में बोले तो बढ़ता जा रहा है और कल देर शाम तक 5 मौत हुई थी, जिसमें एक और देर रात टीएमएस से यह खबर आई कि एक मौत और हुई है जो घाटशिला का रहने वाला, हालांकि अभी उसकी पहचान नहीं हुई है। जो सब बताया जा रहा है कि वो जो था वो भीखूक मांगता था, उसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और उसका पॉजिटिव आया और उसकी देहांत हो गई। निश्चित तौर पर जिस तरीके से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं चिंता का विषय है जिला प्रशासन के लिए, लेकिन अब जो कोरोना संक्रमितों का जो संख्या जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जा रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जमशेदपुर में कई ऐसे इलाके हैं जहां एक एक परिवार के 6-6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। कदमा की एक गर्भवती महिला थी जो टीएमएच में उनका प्रसव हुआ था और उसके बाद वहां से छुट्टी दी गई थी, वो महिला भी पॉजिटिव आई और उसका 1 महीने का बच्चा भी पॉजिटिव आया। तो समझा जा सकता है कि अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रवासी मजदूर से ये संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन अब ये कम्युनिटी स्प्रेड की ओर हो गई है और जिला प्रशासन ने इसीलिए हर चौक चौराहे पे माइक के द्वारा और गाड़ियों के माध्यम से ये अनाउंसमेंट कर रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि जो 5 साल के ऊपर के बच्चे हैं या 10 साल के ऊपर से बच्चे हैं और बुजुर्गों को घर से नहीं निकलने की हिदायत दी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर बुजुर्ग बाहर घर अगर रोड पर पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जो मौतें आपने कही सही में, जितने भी मौतें हुई है सब बुजुर्ग हैं और सब 60 साल से ऊपर की हैं। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से जिला प्रशासन ने अपनी तरीके से पूरी मुस्तैदी दिखा रही है, हालांकि अब तो कई संगठन और जो चैम्बर के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री को ट्वीट करके कहा है कि अब लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से ये पूरा पूर्वी सिंहभूम हॉट स्पॉट बना हुआ है तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है। अगर लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है तो कम से कम शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की जो अवधि है उसमें पूर्णतः लॉकडाउन लगाया जाए और कर्फ्यू की तरह लगाया जाए ताकि लोगों को कम से कम ये जो चैन है वो तोड़ा जा सके। हालांकि कल की जो बैठक है मुख्यमंत्री जो कैबिनेट की बैठक बुलाई है उसमें ये बातें कही जा रही है कि हो सकता है कि लॉकडाउन 1 की तरह ही सख्ती बरती जाए और जो ज़रूरत की चीज़ें उसे छोड़कर सारा चीज़ को फिर से बंद किया जाए और ये इसकी ज़रूरत भी है पूर्वी सिंहभूम अमिता। जिस तरीके से लोग संक्रमित होते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है, लेकिन
तभी अभी भी है, लोग अगर बाजार में निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें बाजार, क्योंकि देखिए जो मैंने बताया कि जो सांची के रिफ्यूजी कॉलोनी में एक ही परिवार के जो 6 पॉजिटिव आए, कहीं ना कहीं वो बाजार में ही एक दूसरे से मिले होंगे, तभी जाकर ये इस तरीके से पॉजिटिव पाए गए, क्योंकि अब किसी का ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। जितने भी थे पहले हम लोग कह रहे थे कि सबकी ट्रैवल हिस्ट्री, लेकिन अब जो कल जो 47 पॉजिटिव केस मिले उसमें किसी का भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से कोरोना अपना दायरा बढ़ा रहा है पूरे पूर्वी सिंहभूम में। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा, जागना होगा, और जो कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है वो तभी खत्म होगा जब पूरी तरह से सख्ती अपनाई जाए, और लॉकडाउन की प्रक्रिया में अगर आता है तो कहीं ना कहीं तब हम कह सकते हैं कि ये जो कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है वो कम हो सकता है। लेकिन अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो जितने भी कार्यालय हैं, चाहे वो नगर निकाय के हो या नगर निगम के हो या जेनेसी हो या फिर कई थाने हैं जो सील कर दिए गए हैं, पुलिस लाइन में भी एक जो बैरक है जो यादव बैरक उसे पूरी तरह का सील कर दिया गया। हालांकि उपायुक्त का कार्यालय आज खोला जाएगा, उपायुक्त कार्यालय से किसी को पॉजिटिव नहीं आई थी, चूँकि उपायुक्त कार्यालय इसलिए बंद किया गया था कि जो परिवहन कार्यालय के जो पदाधिकारी थे वो पॉजिटिव पाए गए थे, चूँकि जिस दिन नए उपायुक्त सूरज कुमार ने जो अपना पदभार ग्रहण किया था उस दिन वो गुलदस्ता देके उन्हें स्वागत किया था। तो इस दृष्टिकोण से उपायुक्त कार्यालय के जितने लोग हैं उनके सैंपल लेकर टेस्ट किए गए, सारे लोग के रिपोर्ट जो है नेगेटिव आए हैं। आज उपायुक्त कार्यालय खोले जाएंगे, लेकिन जो एसपी का कार्यालय है या थाने है या फिर नगर निकाय है जितने हैं सारे 23 तारीख को खुलेगा। तो समझा जा सकता है किस तरीके से ये कोरोना का जो संक्रमण है पूरा बढ़ा हुआ है, लोगों को जागना होगा, समझना होगा, तभी जाकर हम इससे बच पाएंगे, अन्यथा इसके बचने की कोई उपाय नहीं। सबसे अच्छा उपाय है सामाजिक दूरी और मास्क है। जी अमिता, क्योंकि सिर्फ दायरा नहीं बढ़ रहा है संक्रमण का, अब लगातार उस खतरे में लोग समा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमित तो हो रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि जमशेदपुर में इतने ज्यादा केसेस हो जाएंगे और मौत का भी आंकड़ा इतना पहुंच जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात। तो हमने देखा है कि झारखंड में जो कोरोना है वो बेकाबू हो रहा है, संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, और ऐसे में जमशेदपुर में 800 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं।